नेक्स्ट टॉपिक फॉर द फ्रॉम द जनरल सर्जरीज अबाउट द पोस्ट ऑपरेटिव केयर कि आफ़्टर ऑपरेशन जो हमने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है उसके बारे में हमें देखना है उसमें क्या होता है जनरल केयर ऑफ़ पेशेंट विद केयरफुल मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स और हमने क्यों करनी है फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड टाइमली इंटरवेंशन की अगर कोई मसला हमें लग रहा है पेशेंट के अंदर तो हम जल्दी से उसको डिटेक्ट करें और उसकी इंटरवेंशन करें उसकी ट्रीटमेंट करें ताकि पेशेंट जल्दी से रिकवर हो और घर जाए अब पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम क्यों देते हैं ताकि सर्जरी के बाद पेशेंट की जनरल असेसमेंट ऑफ पेशेंट जो है वो हो सके और एडिकुट uh, उसकी पेन रिलीफ़ हो कॉम्प्लिकेशंस ना हो अगर कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं तो उनको अर्ली स्टेज पे मैनेज किया जाए और प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए इसको थ्री फेजेस पे हम डिवाइड करते हैं इमीडिएट पोस्ट केयर मतलब के जैसे पेशेंट अभी सर्जरी करके आया साथ ही वार्ड में जो अंटिल डिस्चार्ज और फिर आफ्टर डिस्चार्ज जो हमने पेशेंट को समझा के भेजना होता है कि आपकी ये सर्जरी आपने इसकी केयर कैसे करनी है रिकवरी फ़ेज़ होती है सबसे पहले कि जो इमिजिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है उसको रिकवरी फ़ेज़ कहते हैं इसमें क्या होता है कि पेशेंट एनस्टीजिया से एक्सटिबेशन से रिवर्स होके आया होता है पेशेंट अब अवेक होता है कॉन्शियस होता है तो उसको जो है हमने देखना होता है उसकी हमने कंटिन्यूस जो है पल्स ऑक्सीमीटर से उसकी ऑक्सीजन चेक करनी होती है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करनी होती है जितने भी ड्रग्स हैं इक्विपमेंट्स हैं फ्लोइड्स हैं वो सब रिसटेशन के लिए वो हमारे पास जो है इमीडिएटली अवेलेबल होने चाहिए कि अगर सर्जरी के बाद कोई मसला हो जाता है तो हम उसको यूज़ कर सकें उसके बाद हम अर्ली जो है सर्जिकल और एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस को रूल आउट करेंगे और उनकी मैनेजमेंट जो है वो अर्ली करेंगे क्या होता है कि ऑपरेशन के फ़ौर बाद जो है क्या होता है कि कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन अराइज़ कर सकती है तो उसका हमें जो है ना माइंड uh, में होना चाहिए और हमने वन टू वन केयर पेशेंट को प्रोवाइड करनी है कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं वी हैव द सो कॉम्पोनेंट्स क्या हैं हमारे रिकवरी रूम के जैसे पेशेंट आता है रिकवरी फेज में हमें क्या कॉम्पोनेंट्स रखने होते हैं उसकी बेसिक मैनेजमेंट करनी होती है उसकी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को देखना होता है उसके फ्लूड बैलेंस को मेंटेन करना होता है और उसके कोर टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है बेसिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट ऑपरेशन करवा के आता है हमने उसकी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को प्रायोरिटी पे रखना होता है उसकी पेन उसकी एन्जाइटी को रिलीव करना होता है जनरल इनस्थीजिया के बाद उसका माउथ वॉश करना होता है पेशेंट की पोजीशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि प्रेशर पॉइंट्स को देखा जाए कि यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है इसकी बॉडी में इसको हमने पोजीशन इसकी पेशेंट की इस तरह रखनी है कि प्रेशर ना पड़े और डी डीक दीकुण, डीकबस अल्सरेशन के लिए ना जो होता है उसके बाद प्रोफेलेक्टिक मेजरमेंट्स अगेन द वीनस टेसिस बाय पैसिव लेग एक्सरसाइज पेशेंट की करनी है तो ये होता है कि ए बी सी पेन एंड एनजाइटी माउथ वॉश पोजीशन और, और प्रोफलेक्टिक मेजर्स उसके बाद इसमें जो आता है नेक्स्ट बहुत है एयरवे ब्रीदिंग जितनी भी अगर कोई सिक्रीशंस गले में फंसी हुई हैं उनको सक्शन के थ्रू बाहर निकालना है आर्टिफिशियल एयरवे प्रोवाइड करनी है अगर ब्रीदिंग जो है वो डिप्रेस हुई हुई है तो कोई गैस देनी है ताकि जो है जितनी भी गैस है उसको रिलीव करना है ठीक है जो एनेस्थेटिक गैस है उसको रिलीव करना है वहाँ से और देखना है कि वो वहाँ पे निकली हुई है कि नहीं एयर वे ऑबस्ट्रक्शन को देखना है अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो सक्शन करनी है ऑक्सीजन मास्क देना है और ट्रेकि की केयर करनी है उसके बाद सर्कुलेशन आ जाता है कि ब्लड प्रेशर एवरी फिफ्टीन मयर्स फिफ्टी मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स के कैलकुलेट करना है पल्स रेट जो है उसको रेगुलरली रिकॉर्ड करना है कोई बूंद है कोई ड्रेन्स है उनको देखना है कोई हेमरेज तो नहीं शुरू हो गए तो बी पल्स और हेमरेज फ्लोइड फ्लोइड बैलेंस को कैसे देखना है कि मेंटेनेंस फ्लूड प्रोवाइड करना है जिसमें ब्लड प्रोडक्ट्स हैं मॉनिटरिंग ऑफ द फ्लूड्स बाय सीवीपी है यूरिन आउटपुट मेंटेनेंस करनी है एक कोर टेम्परेचर सर्जरी के दौरान क्या होता है टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो इस वजह से टेम्परेचर को हमने जो है वो देखते रहना है और जैसे टेम्परेचर राइज करता है तो पेरीफुल बेजोडाइलेशन होती है विच कैन कॉज हाइपोटेंशन तो उसको माइंड में रखना होता है तो ये पांच चीज़ें हैं बेसिक मैनेजमेंट एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन फ्लूड बैलेंस एंड कोर टेम्परेचर स्पेशल फैक्टर्स कुछ ऐसी कंडीशन uh, होती हैं जिसमें स्पेसिफिक एक्शन लेना होता है फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के अगर पेशेंट था तो उसका ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करनी है कार्डिक डिजीज़ का पेशेंट था तो इसी मॉनिटरिंग करनी है यूरोलॉजी में कोई प्रॉब्लम हुई थी तो कैट्राइजेशन करनी है और वेस्कुलर सर्जरी में डिजटल नम पल्सेशन चेक करते रहना है फिर पेशेंट को ये चेक करने के बाद वार्ड में शिफ्ट कर देना है जब पेशेंट फुली कॉन्शियस है हीमोडायनेमिकली के लिए स्टेबल है उसको कोई रेस्पिरेटरी कार्डिक सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है उसका टेम्परेचर नॉर्मल है तो उसको ले लेके ले के आ जाना है वार्ड में जितनी भी ऑपरेटिव डिटेल थी वो सारी लिखते नहीं है कि ये ड्रेन्स थे ये मेडिकेशंस हैं ये ब्लड लॉस हुआ था सर्जरी के दरम्या में कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था तो वो वार्ड स्टाफ को बता देना कि ये पेशेंट जो है वो इस तरह का था नोट्स तैयार करके पेशेंट को दे देने हैं अब पेशेंट आ गया है वार्ड में तो वार्ड में उसकी जनरल केयर करनी है उसकी पेन मैनेजमेंट करनी है फ्लोइड बैलेंस करना है जनरल केयर कैसे करेंगे पेशेंट बोर्ड में बैठा हुआ है उसकी जो है वो एम्बुलेशन कर, करते रहेंगे ताकि डीवीटी ना हो उसकी मोबिलाइजेशन रखेंगे उसकी स्किन केयर करेंगे ऑफ द प्रेशर एरियाज एडिशनल स्पेसिफिक डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ़ सर्जरी अंडरलाइन डिजीजेस पेन मैनेजमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ पेन लेडर जो हम पढ़ चुके हैं उनकॉलॉजी में एनेस्थीसिया uh, में पढ़ा था फ्लूइड बैलेंस करेंगे फ्लोइड बैलेंस कैसे है कि पेशेंट का जो है वो फ्लूड लॉस चेक करेंगे यूरिन आउटपुट फोर आवरली लेंगे एन जी एस्पैरेशन ट्वेल्व आवरली लेंगे ड्रेन्स जो हैं उनमें अगर कोई आउटपुट आया हुआ है वो देखेंगे कि हम फ्लोइड बैलेंस फ्लोइड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ऑन गोइंग लॉसेज को हमें देखना होता है और देखना होता है कि उसकी अगर फ्लोइड की कमी है तो उसको आई वी फ्लूड्स दे देंगे उसकी मोनीटरिंग करेंगे सारा फ्लोइड बैलेंस मेंटेन करेंगे उसके बाद अगर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो वो हम देंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करेंगे जब हीमोग्लोबिन एट से कम है अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो रेगुलर हमने उसका पल्स पी पी टेम्परेचर जो है उसको डिटेक्ट करना है कि कहीं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस तो नहीं हो रहे ये हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं मेडिकेशंस हमने पेशेंट की जितनी भी मेडिकेशंस उसको दी जा रही हैं एंटीबायोटिक्स प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स लो मॉलिक्यूलर वेट हाइपरन एलर्जीजा फ्लूइड्स उनके जो है वो रिकॉर्ड रखना है और नर्सिस को उनकी डोजेज़ वगैरह का बता के भेजना है फिर अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है आफ्टर सर्जरी वार्ड में तो उसको हमने देखना है और मैनेज करना है अर्ली न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखना है उनकी डाइट्री इंटेक का कि बेसिक इंडिकेशन ये होती है कि पोस्ट ऑपरेटिव न्यूट्रिशनल सपोर्ट दी जाए उन लोगों को जो मोर देन इज़ एब टू ईट फॉर मोर देन फ़ाइव डेज तो उनकी हमने न्यूट्रिशनल सपोर्ट उनको देनी होती है जिसमें एंट्रल फीडिंग हम प्रेफ़र करते हैं इसके अलावा इसके साथ साथ फ़ुलोइड बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट मनीटरिंग हमने करनी होती है फिर आता है फिजियोथेरेपी ताकि पेशेंट को जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन ना हो थ्रोम्बॉलिज़म ना हो बेड सोर्स ना हो वोन केयर करनी होती है अगर हमें कोई वोन में प्रॉब्लम नजर आ रही है तो ड्रेसिंग चेंज करनी होती है फिर सर्जिकल ड्रेन हमने लगा देना होता है तो अगर कोई सर्जिकल ड्रेन है सॉरी सर्जिकल ड्रेन वोन केयर की है और उसके बाद सर्जिकल ड्रेन अगर कोई था निज़ोकेस्टिक ट्यूब थी उसका हमने आउटपुट मोनीटर करना है मतलब फ्लूड कैलकुलेट करना है कि कितना बाहर आ रहा है ऑन को को देखना है एन जी ट्यूब हमने देखना है एन जी ट्यूब में कि कितना आउटपुट आ रहा है अगर वो हंड्रेड टू टू हंड्रेड एम एल पर डे से कम है ठीक है और पेरिस्टालसिस जो है वो शुरू हो गई है तो हम क्या करते हैं कि हाँ अब ठीक है अब पेशेंट को ट्यूब रिमूव कर दी जाए चेस्ट ट्रेन चेस्ट को ब्रेन को कब रिमूव करना है जब बबलिंग जो है वो चौबीस घंटे से नहीं हो रही जब पेशेंट कफ़ करता है तो बबलिंग नहीं हो रही और डेली चेस्ट एक्सरे जो है उसमें हमें नज़र आ रहा है कि लंग्स फुली एक्सपेंडेड है तो चेस्ट ट्रेन को निकाल देना है ऑपरेटिव साइड्स पे जो ड्रेन होते हैं उनको कब रिमूव करना है अर्ली रिमूव करना है ताकि इन्फेक्शन ना हो ड्रेन्स के क्या जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो हम ड्रेन्स पुट करते हैं उनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि ट्रॉमा हो सकती है ठीक है डिसकनेक्शन हो सकती है उसका या वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है फिर होता है थर्ड जो हमने देखा है कि एक था हमारे पास रिकवरी फेज़ में फिर हमने देखा कि जो हमारा था वार्ड में केयर रिकवरी फेज़ में हमने कैसे केयर की थी बेसिक मैनेजमेंट एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन फ्लूड बैलेंस और कोर टेम्परेचर और और जो है वार्ड में कैसे केयर की थी जनरल केयर की थी पेन मैनेजमेंट की थी फ्लुइड बैलेंस रखा था ब्लड ट्रांसफ्यूज मेडिकेशंस आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस न्यूट्रिशन फिजियोथेरेपी वून केयर सर्जिकल ड्रेन्स की केयर करनी थी जिसमें एन जी ट्यूब हमने कब रिमूव करनी है चेस्ट ड्रेन कब रिमूव करना है और ऑपरेटिव साइड्स के ड्रेन्स कब रिमूव करने हैं तो ये सारा कुछ ड्रेन सर्जिकल ड्रेन्स की केयर करनी है अब आ गई है हॉस्पिटल डिस्चार्ज के पास केयर पेशेंट्स को सारा कुछ बताना है कि उसके साथ अच्छा गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए उनके रिलेटिव्स को सारी इंफॉमेशन देनी है कि ये ये पेशेंट के आपने ऐसे ख्याल रखना है वो उनकी ऐसे केयर करनी है ये दवाइयाँ टाइम पे देनी है स्टिचेस को इतनी देर बाद आपने आगे रिमूव करवा लेना और फॉलो अप दे, दे देना उसको सारा तो इस तरह से हम जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर सेवन दैट इज़ अबाउट द पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन्स कि अगर कॉम्प्लिकेशन्स हो गई हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे पेशेंट को ज़रूरी पड़ सकता है कि उसको हम वापस थिएटर में ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएं उसका डिस्चार्ज जो है वो लॉन्ग टर्म वो मतलब उसको ज़्यादा देर हॉस्पिटल लेना रहना पड़ेगा कॉम्प्लीकेशन इतनी ज़्यादा हो सकती हैं कि मल्टी ऑर्गन फेलियर और इवन डेथ हो सकती है, है पेशेंट की तो उसको हमने बहुत ख्याल रखना है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो क्लासीफाई होती हैं हेमरेज हो सकता है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी और रिएक्शनरी हेमरेज होता है जिसको हमने हेमरेज के चैप्टर में देखा था वून की कॉम्प्लीकेशन हो सकती हैं लाइक वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है हेमाटोमा बन सकता है सरोमा हो सकता है साइनस बन सकता है बर्स्ट बर्स्टिपडोमिन हो सकता है इन सीजनल हर्निया हो सकता है कार्डियोवास्कुलर में क्या हो सकता है एरिदमियाज अनस्टेबल इंजाइना हार्ट फेलियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन डी डी इन चैप्टर्स को बस रीड करना है फॉर कॉन्सेप्ट्स रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं एटेल्टेसिज एस्पैरेशन पलमरीबॉलिजम पलमेरी अडीमा प्योरलीफ्यून न्यूमोथोरिक्स एन आर्ट्स सी एन एस कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है कन्फ्यूजन स्ट्रोक फिट्स जी आई टी कॉम्प्लीकेशन क्या हो सकती हैं पेराटिक आइलियस मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एक्यूट गैस्ट्रिक डायलिटेशन कॉन्स्टिपेशन एनास्टोमोसिस लीकेज पेरिटोनाइटिस हीमोपेरिटोनियम पेटोबिलिडीप कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं पेंक्रियाटाइटस हेपेटाइटिस हेपेटिक फेलियर यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं यूरिनरी रिटेंशन यूटीआईज एक्यूट रीनल इंसर्फलेशन अदर्स में क्या हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव पारेक्सिया प्रेशर सोर्स हीमोपेरिटोनियम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जिकल ड्रेन्स हो सकती हैं अब जो है इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस को देखेंगे हेमरेज को हमने हेमरेज वाले चैप्टर में पढ़ा था कि तीन तरह के हेमरेजेज़ होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और रिएक्शनरी सर्जरी के टाइम पे जो हेमरेज होता है उसको प्राइमरी कहते हैं जो विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ सर्जरी होता है उसको रिएक्शनरी कहते हैं विच इज़ ड्यू टू लाइगेचर स्लिप या तो वेजल के ऊपर से वो जो धागा था वो उतर गया है लॉस ऑफ आर्टिग्रल स्पैजम इसकी वजह से होगा और सेकेंडरी है जो है वो आफ्टर सर्जरी सेवरल डेज़ आफ्टर सर्जरी होता है जिसमें कोई इन्फेक्शन हो गया या स्लफिंग ऑफ वेजल वॉल की वजह से वोंड कॉम्प्लिकेशंस सर्जिकल साइड इन्फेक्शन को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि वोड इन्फेक्शन कब होता है विच uh, इंक्लूड्स uh, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वोड इन्फेक्शन होता है हीमाटोमा सेरोमा पोअर न्यूट्रिशन डायबिटीज़ अनिमिया यूरीमिया रिड्यूस्ड इम्यूनिटी पेशेंट्स जो हैं वो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन के साथ आएंगे वहाँ से पस निकल रही होगी तो ट्रीटमेंट क्या होगा हमारा कि वहाँ से वो जो वून में से वो प्रॉब्लम हुई भी है उसकी ड्रेनेज ऑफ पस की जाए नेक्रोटिक टिश्यू को डिब्राइड किया जाए और एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दी जाए नेक्स्ट इज हिमाटोमा वूड के अंदर अगर ब्लड या क्लॉट जमा हो जाए तो उसको हीमाटोमा कहते हैं विट इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय इम्परफेक्ट हीमोस्टेसिस अगर रीजन ऑफ नेक पे बन जाए आफ्टर थायराइड सर्जरी तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इंडेंजर हो सकता है वून इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो सकता है तो ट्रीटमेंट क्या है वो जो हिमाटोमा बना हुआ है उसकी नीडल एस्परेशन करें री ओपनिंग ऑफ वून करें क्लॉट को बाहर निकाल लें देन सिरोमा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वॉट इज सिरोमा इट इज़ लोकलाइज कलेक्शन ऑफ सीरस फ्लोइड ठीक है फॉर एग्जाम्पल चेस्ट बॉल इन मिस्टेक्टबी वहाँ पर हो सकता है Where the lymphatics have been divided, for example, groin और वेर द लिफेटिक्स हैिडेड फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोइंग और एक जिला सीरस फ्लोइड निकलना शुरू हो जाता है स्मॉल सिरोमास होंगे तो बहुत बहुत हतम हो जाते हैं लेकिन अगर बड़े बड़े सिराम हैं तो उनको इंस्परेशन करेंगे बाई नीडल या फॉर्मल ड्रेनेज करेंगे वोड ए है सेंस मतलब वो जो वोंड है उसकी जो है ना वो खुल गया पार्शल और कम टोटल डिस्ट्रप्शन ऑफ एनी और ऑल द लेयर्स ऑफ ऑपरेटिव वड फैक्टर्स क्या हैं लोकल क्या है कि इनएडकेट क्लोयर था बूंद का वहाँ पर इंट्राप्टोमिनल प्रेशर रेज हो गया या डेफिशेंट वोंड हीलिंग है तो बूंद खुल जाएगा सिस्टेमिक क्या है एज ज़्यादा है डायबिटीज़ है यूरीमिया है इम्यूनोसप्रेशन जॉन्डस सबसे जैन मान्यूट्रिशन और क्या हो सकती है कॉम्प्लीकेशंस पेन हो सकती हैं वूड में या जिन पेशेंट्स के अंदर एस आई टीज़ है उनके अंदर फ्लोइड लीकेज होना शुरू हो जाती है वोंड से रेस्परेटरी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादातर एज ज़्यादा होने की वजह से सिक्सटी ईयर्स अबव में होती हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स क्या हैं एज ज़्यादा हो गई है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सी ओ पी डी इन सब के अंदर या फिर हमने कोई ऐसा प्रोसीजर यूज़ किया लाइक ए ओटेक एनोरिज्म को ठीक किया थॉरेसिक सर्जरी किया एब्डोमिनल सर्जरी किया लॉन्ग सर्जरी की एमरजेंसी सर्जरी की या जनरल नेजिया यूज़ किया तो इन सब फैक्टर्स में रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशनस के ज़्यादा चांसेस हैं पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोक्सिया क्या होता है कि अगर ऑपरेशन के बाद ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 परसेंट से कम हो जाए तो इसको कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोक्सिया क्यों होता है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लेरेंजल एडिमा हाइपोवेंटिलेशन एटेलेक्टेसिस पलमेरी एडिमा एंड पलमेरी एम्बॉलिज्म तो कॉज क्या है उसको रूल आउट करना है कि कौन सा कॉज है जिसकी वजह से आइपॉक्या हुआ है और अगर मेरे को ब्लड नज़र आ रहा है कोई सिक्रीशन नज़र आ रही है उसको क्लियर करेंगे और ऑक्सीजन दे, दे देंगे पेशेंट को एटेलेक्टेसिस ज़्यादातर बेजल पार्ट ऑफ लंग में होता है मोस्ट कॉमनली फोर्टी एट आवर्स के अंदर अंदर एनस्टीजिया की वजह से क्या होता है ब्रोंकिल सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती हैं और सीलियर रिएक्शन कम हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है म्यूकस जमा होना शुरू हो जाता है वहाँ पर ठीक है म्यूकस जब जमा होगा तो वो ब्लॉक कर देगा प्रोकाई को एयर जिसकी वजह से क्या होगा जब ब्लॉक हो जाएगी एयरवे तो वहाँ से जो भी एयर जमा हुई हो होगी ना ठीक है ये थी ना तो यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई है तो ये जो आगे वाली सारी एयर होगी ये बाहर निकल जाएगी तो लंग क्या हो जाएगा कोलाप्स कर जाएगा तो इसको कहते हैं कि वो जो बेजल एरिया होता है मोस्टली वहाँ पर ठीक हो गया वहाँ पे ज़्यादातर ये लंग को लेप्स कर जाता है पोस्ट ऑपरेटिव एबडामनल पेन जो है उसकी वजह से भी क्या होता है कफिंग नहीं होती और सक्रीशंस जमा होना शुरू हो जाती हैं तो एक तो एनस्तीजिया की वजह से और एबडॉमनल पेन की वजह से जो है ना सिक्रीशंस uh, जमा होती हैं और फिर लंग uh, को लैप्स कर जाते हैं अगर माइनर रेटल है तो उसकी वजह से फीवर होता है डेजनिया अटैक कार्डियल फीवर होता है लेकिन अगर स्वियर है स्वेयर एटेलिकेसिस है तो उसकी वजह से साइनोसिस और रेस्पिरेटरी को हो जाता है ठीक हो गया फिर होता है ट्रीटमेंट इसका एटेलेक्टेसिस का हम कैसे करेंगे करेंगे फिजियोथेरेपी करेंगे ताकि वो जो प्लग है म्यूकस का वो रिमूव हो जाए पेन रिलीव करेंगे ताकि जो है ना वो फिर सिक्रिशन से कट्टी ना हो ब्रोकोस्पोकी ब्रोंकोस्कोपी से म्यूकस प्लग को रिमूव करेंगे और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे दैन एस्पाशन निमोनिया निमोनिया भी हो सकता है ड्यू ड्यू के अगर पेशेंट अपनी गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स को इन्हेल कर ले तो उसकी वजह से एसपाशन निमोनाइटिस हो जाता है जिसको हम मेन्डेलसन सिंड्रोम कहते हैं ये एनस्थीजिया की इंडक्शन या रिकवरी के वक्त हो सकता है इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पैरालिटिक एलियस उनके अंदर भी एस्परेशन का रिस्क बढ़ जाता है इस वजह से मैंने आपको बताया था कि प्री ऑपरेटिंग फास्टिंग करते हैं सिक्स आवर्स इन अडल्ट एंड फोर आवर्स इन चिल्ड्रेन प्रॉपर पोजिशनिंग करते हैं पेशेंट की इंट्यूबेशन केयरफुली करते हैं ताकि एस्परेशन ना हो इसके अलावा जो तो मीटोक्लोप्रोमाइड है एज टू ब्लॉकर्स हैं प्रोटॉन पम इनहेबिटर्स होते हैं ये भी रिस्क ऑफ एस्पाइशन निमोनाइटिस को कम करते हैं लेकिन अगर हमने ये सारे प्रिवेंटिव मयर्स नहीं हो किए या किसी भी वजह से रेस्परेशन हो गई है तो फिर हम उसको कैसे रिमूव करेंगे कैसे ठीक करेंगे प्रोंकोस्कोपी जल्दी जल्दी करेंगे सक्शनिंग करेंगे वो जो मैटर फंसा हुआ है उसको बाहर निकालेंगे और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे इंट्यूबेशन और वेंटिलेशन करेंगे अगर रेस्पिरेटरी फेलियर इज़ फिर फिर पोस्ट ऑपरेटिव नमोनिया दिस इज अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीकेशन अमंग पेशेंट्स हू डाइड आफ्टर सर्जरी कि उनको नमूनिया हो जाता था सर्जरी के बाद जिन पेशेंट्स को पैरिटोनल इन्फेक्शन है उनको भी नमूनिया हो जाता था जिनको वेंटिलेटरी स्पोर्ट बहुत ज़्यादा देर के लिए चाहिए होती थी ना उनके अंदर तो हमें कैसे पता चलेगा पेशेंट के अंदर नमूनिया उसको फीवर होगा टेक एपनिया इंक्रीज सिक्रीशन इनको सॉलीडेसन इन लंग्स ट्रीटमेंट क्या होगा ऐसे मयूर्ज लेंगे वो जो सिक्रीशंस हैं उनको रिमूव किया जाए और एंटीबायोटिक्स दिए जाएँ पोस्ट ऑपरेटिव फ्लू फ्यून होती है जिसमें अपर एब्डोमिनल प्रोसीजर्स के बाद मोस्टली हो जाता होता है ये ठीक है तो इसका जो है हम कैसे करते हैं कि फ्यून की स्परेशन करते हैं और एंटीबैक्टीरियल थेरेपी देते हैं फिर पलमेरी डीमा है फूअर कार्डिक फंक्शन की वजह से रीनल डिजीज़ या थेरेपी की वजह से पलमरी डिमा हो जाता है जिसमें फिर पेशेंट आता है टेकी कार्डिया टेकी टेकिपनिया औरथोपनिया रेस जीवीपी और पिंकी फ्रोदी पुटम और बेजल क्रैपिटेशन के साथ तो ट्रीटमेंट क्या होगा हम आई वी फ्लूड्स को स्टॉप करेंगे हेड एंड ऑफ द बेड को रेस करेंगे डायरेटिक्स देंगे ऑक्सीजन देंगे स्मॉल डोजिस ऑफ ओपियोड्स लाइक मॉर्फिन देंगे पलमेरी एम्बॉलिज़म जो है ये पोस्ट ऑपरेटिव डेज पर हो जाता होता है तो सडन डिजनिया कोलेब्स हाइपोटेंशन के साथ पेशेंट आएगा डायग्नोसिस हमें चेस्ट एक्सरे पे पता चलेगा ए बीजीज करवाएंगे ई सी जी करवाएँगे वेंटिलेशन परफ्यून स्कैन करवाएंगे पल्मोनरी एंजियोग्राफी करवाएंगे विच इज़ मोस्ट एक्यूरेट और फिर हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अगर पेशेंट को शॉक नहीं है सिर्फ पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो है तो हेपरिन ट्रीटमेंट देंगे और अगर पेशेंट्स को शॉक है तो आइनोट्रॉपिक सपोर्ट भी देंगे थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे और पल्मोनरी एम्बोलैक्टिमी करेंगे रिकरेंट केसेस पे हम आई वी सी इनफी मैंने कहवा का फिल्टर लगा देंगे ताकि दोबारा से पलमेरिम्बॉलज़म ना हो कार्डिक कॉम्प्लीकेशन क्या हो सकती हैं एरिदमियाज अनस्टेबल इन चाहना हार्ट फेलियर माओकार्डियल इन्फॉक्शन तो कंटिन्यूस ई सी जी मोनिटरिंग करनी होती है पोस्ट ऑपरेटिव कन्फ्यूजनल स्टेट अगर है फ्यू डेज़ आफ्टर सर्जरी हो जाती है तो इसकी काजेज़ डिफरेंट हैं रीनल कॉजेज हो सकती हैं यूरीमिया इन्फेक्शन यूरिनरी टेंशन रीनल फेलियर रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर काजेज़ हो सकती है ड्रग्स की वजह से हो सकता है कन्फ्यूजन वगैरह तो कॉज को ट्रीट करेंगे और फिर उसको ट्रीट करेंगे ठीक है जी आई टी कॉम्प्लिकेशन पोस्ट ऑपरेटिव आइलस है बाउल ऑब्सट्रक्शन है पोस्ट ऑपरेटिव फीकल इंपैक्शन पेंक्राटाइटिस है डिसफंक्शन कॉन्स्टिपेशन पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन मोस्ट कॉमन इट इज़ अ कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन सर्जरीज जो कि स्पाइनल लेंसतीजा की वजह से होती हैं तो हम एग्जामिनेशन में ब्लैडर को पेल्पेट करेंगे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे उसकी एडिक्ट उसको अनलजीजिया देंगे और उसकी जो है अगर ये मयर्स फेल हो जाते हैं तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर देंगे पोस्ट ऑपरेटिव कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन अगर हो गई है तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन सबसे पहले करेंगे ताकि देखें कोई फीकल हार्ड मैटर जो है वो इम्पैक्टेड तो नहीं है अगर इम्पैक्टेड है तो उसको मैनुअली वैक्यूएट करेंगे लेकिन अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो लेग्जेटिव तो स्टूल सॉफ्टनर्स देंगे सी एन एस कॉम्प्लिकेशन में स्ट्रोक और कन्वर्जनस हो सकती हैं अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है पोस्ट ऑपरेटिव फ़ीवर के फ्यू डेज़ आफ्टर मे मेजर सवरी फीवर हो जाता है पेशेंट को तो हमने फीवर का कॉज रूल आउट करना होता है पोस्ट ऑपरेटिव फ़ीवर किसको कहेंगे अगर टू कंजेक्टिव पोस्ट ऑपरेटिव डेज पर जो है वो हंड्रेड डिग्री फॉर हाइट का टेम्परेचर है वन पोस्ट ऑपरेटिव डे में आपको वन जीरो टू डिग्री फॉर एन हाइट का टेम्परेचर हाई एलिबेटिव टेम्परेचर है ज़्यादातर इन्फ्लामेशन की वजह से होता है तो जब भी, भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके इर्द गिर्द भी घरों में भी अगर किसी का ऑपरेशन के बाद फ़ीवर ठीक नहीं हो रहा तो आपने कॉज को रूल आउट करना है फोर डब्ल्यूज़ हैं और एक बी है फोर डब्ल्यूज़ में क्या है वूंड विंड वाटर वंडरिंग ड्रग्स वूंड क्या है कि फीवर क्यों है वूंड में से अगर आपको डिस्चार्ज बस इन्फेक्शन फ़ील हो रहा है आपने रूल आउट करना है कि वूंड का प्रॉब्लम है विंड मतलब ब्रीदिंग एटेलैक्टेसिस हो सकता है पेशेंट को मोस्ट कॉमन कॉज तो फिर आपने ऑस्कल्टेट करना चेस्ट को चेस्ट एक्सरे करवा लेना पेशेंट का वाटर मतलब यूटीआई को रूल आउट करना है बंडरिंग ड्रग्स आपने देखना है कि जो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं वो उसकी रेजिस्टेंस uh, तो नहीं है उसकी कल्चर सेंसिटिविटी करके उसको देना है और वेजल्स डी वी टी बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ज़रूर देखना है तो जब भी आप फीवर सस्पेक्ट कर रहे हो फीवर देख रहे हो तो आपने सस्पेक्ट करना है कि उसको वोन का प्रॉब्लम हो सकता है उसको लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है उसको यूटिलाइज हो सकते हैं उसको ड्रग्स का प्रॉब्लम हो सकता है या वेजल्स का इनको ज़रूर रूल आउट करना है ताकि आप कॉज की तरफ जाओ और फिर उसको ठीक करो हिमोपेरिटोनियम जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है फर्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स आफ्टर एबडामिनल सर्जरी तो आपने सबसे पहले कोगलेशन डिसऑर्डर्स रूल आउट करने हैं हिमोपेरिटोनिय मतलब ब्लड जा रहा है तो हाइपोविलमिया टैकी कार्डिया डिक्रीज ब्लड प्रेशर एबडामिनल डिस्टेंशन डिक्रीज़ यूरिन आउटपुट एंड पैरिफ्रल बीजो कंस्ट्रक्शन इनको रूल आउट करना है ड्रेन्स के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि हम एबडामिनल प्रोसीजर्स के लिए पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेनेज और पेरिटोनियल कैविटी करते रहते हैं उसकी वजह से इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा है इसको कैसे ट्रीट करेंगे कि हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं क्लोज सक्शन ड्रेन करें थोड़ा सेपरेट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे हमने स्टैम इंसियन दिया है ऑपरेशन साइड का जो इन सी एन है उसे सेपरेट वून साइड का इंसियन होना चाहिए मतलब यहाँ पे आप ऑपरेशन कर रहे हैं इसके अंदर तो आपने सेपरेट ड्रेन के लिए अलग जगह रखनी है ठीक है ड्रेन शुड नॉट बी लेफ्ट इन कॉन्टेंट विद द इंटेस्टाइनल लास्टोमोसिस क्योंकि इसकी वजह से फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है सो वॉट इज वोन डिहेंस वर्जिकल कॉम्प्लिकेशन इन विच द वोन रपचर अलॉन्ग अ सर्जिकल इंसिडेंट फैक्टर्स इनवॉल्व प्रोसेस क्यों वोनडिस्स होती है ओल्ड एज कॉलिजन डिसऑर्डर लाइक एहले डेंटोसेंड्रोम अबेसिटी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट स्मोकिंग एडवांसड एज डायबिटीज मिलाइटिस मेल्यूट्रिशन प्रेजेंस ऑफ ड्रेनस इनप्रोप्रेट यूज ऑफ एंटी एंटी माइक्रोबियल प्रोफ्लैक्सेस पोअर नाटिंग और ग्रैबिंग कौन से सूचर्स हमें यूज करने हैं डिन आफ्टर लेप्रोटमी तो प्रोलिन सोचर यूज करना है मैंने आपको बताया था पी फॉर पेट और पी फॉर प्रोलिन और इसका राशनल क्यों हम क्यों यूज़ करें क्योंकि स्ट्रॉन्ग इट डज़ नॉट लूज इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ और मिनिमम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है इसमें ठीक हो गया तो so, ये वाला जो पोस्ट ऑपरेटिव हमने चैप्टर्स कर ली पोस्ट ऑपरेटिव केयर का उन्होंने कहा जस्ट गिव रीड और ये जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हैं इसमें यह चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट इम्पॉटेंट क्वेश्चन एंड द टॉपिक्स फ्राम द जनरल सर्जरी थोरेसिक ट्रामा है और न्यूरो सर्जिकल ट्रामा है इसको हम जो है सिस्टेमिक सर्जरी के साथ कवर करेंगे